नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा जिले के ग्राम कोहदड़ में शुक्रवार को ग्राम भारती मालवा प्रांत के मार्गदर्शन में आयोजित 10 दिवसीय योग वर्ग के चतुर्थ दिवस में योगाचार्य श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव विद्या भारती के राष्ट्रीय योग शिक्षा सह संयोजक के मार्गदर्शन में योग कक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें योगाचार्य ने कहा कि कोरोना महामारी में योग आसन और प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भांति, सर्वांग पुष्टि योग, सूर्य नमस्कार आदि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। उन्होंने विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों में योग शिक्षा को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाने व प्रतिदिन योग प्राणायाम करने का आग्रह भी किया। शुक्रवार की योग कक्षा की अध्यक्षता सौभाग्य सिंह ठाकुर प्रांतीय सचिव द्वारा की गई। इस अवसर पर ऑनलाइन वर्ग में मदनलाल राठौर प्रांत प्रमुख मालवा, त्रिलोक तिरोले सह प्रांत प्रमुख कैलाश धननगर, क्षेत्रीय शारीरिक प्रमुख जितेंद्र गुहा, महेश विश्वकर्मा प्रांत प्रचार प्रमुख और प्रांत के समस्त पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिले के योग विषय संयोजक सह संयोजक और संकुल प्रमुख की उपस्थिति रही। योग कक्षा का सफल संचालन घनश्याम पाटीदार शाजापुर विभाग योग प्रमुख द्वारा किया गया और आभार वर्ग संयोजक मन्नालाल रावत द्वारा माना गया। धीरे धीरे सांस को छोड़ दोगे। जब आप सांस लेते हो तो आप अपने दोनों फेफड़े फूलते हुए नजर आएंगे। दोनों फूलते हुए जो अपने फेफड़े को मजबूत करने के लिए जो प्राणायाम होता है धीरे धीरे वापस छोड़ेंगे। नेक्स्ट और आगे की ओर बढ़ते हुए अपने प्राणायाम किया है। अब इसके बाद में मूल व अपने शरीर की जो नाड़ियां श्वसन जो क्रिया होती है वो तीनों बंद आपके बीच में रखूंगा, बताने वाला हूँ। मूल बंद, जालंधर बंद और उड्यान बंद। मूल बंद, उड्यान बंद और जालंधर बंद अपने शरीर को लाभ ये होते हैं कि अपने जो शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है और अपने फेफड़े दोनों मजबूत होते हैं और अपने जो नाभि होती है वो अपना को जागृत होता है और अपनी जो अंदर की जो बीमारियां होती हैं वो भी बहुत ही लाभदायक के रूप में है, क्योंकि फेफड़े को ऑक्सीजन की जो भी कमी जो चल रही है उसको बढ़ाने के लिए जालंधर बंद, उड्यान बंद और मूल बंद तो तीन बंद है। तो सबसे पहले आप मेरे को देखना है तीनों बंद क्या है। एक एक जालंधर बंद बीच में मैं रखूंगा। ठुड्डी जो अपनी होती है वो ठुड्डी को सीने के या उसको टच करना है, इसको जालंधर बंद कहा जाता है। और उड्यान बंद जो अपने को जो कपाल भाती करते हैं वो पेट को अंदर ले जाना है, उड्यान बंद। वो उड्यान बंद में पेट अपना अंदर जाएगा। और मूल बंद को नाभि जो होती है अपने जो ड्यूटी जो होती है इसी बंद में अपने क्षमता को कैसे और बढ़ाया जाए तो तीनों बंद होते हैं। तीनों बंद को आप सांस को रोकते हुए और पेट आगे की ओर धकेलना है, तीनों बंद वापस लगाते हुए वापस धीरे धीरे करेंगे। जितना जिससे जितना पेट अपना अंदर की ओर जाए उतना ही आप संभव हो जितना कीजिए, जितना बस पेट अपने को खींचना है अंदर की ओर, वो सांस को रोकना है। सांस जब आप रोकोगे तभी अपना तीनों बंद जागृत होंगे और अपने जो मांसपेशी अपनी जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो बहुत ही इससे बहुत ही आवश्यक बढ़ेगी। और दोनों उसके बाद सांस को रोका आपने 1 सेकेंड या 5 सेकेंड आपने रोका और दोनों हाथ अपने जांघों को रखना है और पेट अपना तो हल्का सा पेट जो होता है अपना शरीर जो उड्यान बंद लगाया पीछा ना आपने उसको धीरे से छोड़ना। छोड़ोगे तब आपका जो नाभि होती है वो नाभि को वापस अपने दोनों हाथ अपने गर्दन और अपने शरीर के जो आसन किए थे व्यायाम किए थे लोच आया था उसको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स किया है, कोई भी अपना तनाव नहीं होना चाहिए, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए या दर्द महसूस आप नहीं करोगे और रिलैक्स कर देना पूरी बॉडी और छोड़ देना पूरी बॉडी।
वापस धीरे धीरे अपने रास्ता में रिलेस को लेफ्ट की घुमाते हुए दोनों हथेली अपने सामने की ओर पूरा शरीर ढीला छोड़ना है और धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। पहले हाथों को हिलाते हुए, पंजों को हिलाते हुए, घुटने को हिलाते हुए, कमर को हिलाते हुए और दाएं की ओर या बाएं की ओर आपको लेटते हुए और अपने स्थान पर बैठेंगे। स्थान पर आपको बैठना है और दोनों पद्मासन या सुखासन में बैठना। सुखासन में बैठते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करना है। पद्मासन या सुखासन में बैठना है और जिससे जितना संभव हो उतना ही आप बैठिए। डायरेक्ट सिंपल बैठना चाहते हो आप सिंपल ही बैठिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर, हथेली अपनी ऊपर की और मुद्रा अपनी और सीना और सामने और भगवान के दर्शन करते हुए परमात्मा से जो भी आप आसन जिसके लिए बेटी तार किया उसके लिए आपको भगवान के दर्शन करना है। हे भगवान को दर्शन करते हुए और रिलैक्स इन बॉडी छोड़ देंगे। बस आज की योग क्लास समाप्त होती है, समय भी हो गया है। मैं सबसे आदरणीय वंदन करता हूँ कैलाश जी भाई साहब। आदरणीय कैलाश जी, धन्यवाद कैलाश जी भाई साहब। और आपको जी भाई साहब ये जो बार बार जी मन्नालाल जी भाई साहब कहाँ हैं? कमलेश जी भाई साहब आज कैसे योग शिविर में आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम भारती माला प्रांत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी भाई साहब, सभी को, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ऑडियो हमेशा चालू रखे, वीडियो हमेशा चालू रखे और ऑडियो हमेशा बंद रखे और बिना खबर समय जगत के लिए खंडवा जिले से कैमरामैन शुभम लाड के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चाबरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।